उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में उभयलिंगी के अधिकारों से संबंधित बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, किन्नर समाज की एकता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एक कमेटी गठित कर ट्रांसजेंडर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने पर चर्चा की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रांसजेंडर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें किन्नर समाज के लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उन्हें शासन के योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। जबकि ट्रांसजेंडर समाज की एकता ने प्रदेश सरकार की पहल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल बहुत ही सराहनीय है, इससे निश्चित ही समाज के लोगों का उत्थान होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रांसजेंडर समाज की एकता और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है उसका यहाँ पहला फेज हम लोग स्टार्ट करवाना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर के आईडी कार्ड नहीं लेते हैं जी सर, ऑनलाइन 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 पोर्टल पे है सर और आपकी कमेटी के अंतर्गत ये बनेगा। इसमें हम लोगों का रोल ये होगा कि कोई भी फेक पर्सन अपना आईडी कार्ड ना बनवाए। इसके बाद हम गुरु जी की बात कर रहे थे, तो ये दो वर्ग है जो अपने कुछ मुद्दों पे है साथ नहीं है, तो कुछ उनके अपने स्पेशल नीड्स भी है जिसको वो अपना रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कमेटी का तीनों प्रस्ताव बता दीजिए। तो मेरे तरफ से सर निवेदन ये है कि हम अपनी गुरु का नाम देना चाहते हैं कोमल गुरु जी का, और एक हमारे साथ में ट्रांस मैन है जो महिला के पुरुष के जीवन में जीते हैं, उनका नाम हुसैन है, जिनका जन्म एक महिला में हुआ था लेकिन वो अपने को ट्रांस मैन मानते हैं, तो उनको रखना चाहते हैं। और मैं ट्रांसजेंडर के एक्टिविटीज के रूप में अपने को काम करती हूँ, तो मैं अपना नाम के लिए आपसे निवेदन करती हूँ। मेरे समुदाय का अगर उसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं में आच्छादन जो हो सकता है वो चाहे वो सोशल सेक्टर से जुड़े हों, स्वास्थ्य से हो या शिक्षा से जुड़े हों, जहाँ जहाँ योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकता है वो हम लोग शत प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित कराएं। दूसरा, सभी विभागों को पत्र लिख दीजिए, जब भी कोई आवेदन पत्र आता है, कोई शिकायत आती है तो विशेष प्राथमिकता से उपयुक्त किया जाए, ठीक है। तीसरा, सभी हेल्थ शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में जो भी हेल्थ रिलेटेड इशूज हैं के लिए विशेष प्राथमिकता से स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सभी थानों को निर्देशित करें कि अगर वहाँ नॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन क्राइम रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो विशेष प्राथमिकता में करें और कहीं पे कोई भेदभाव या किसी तरह के सम्मान में कमी की बात नहीं आनी चाहिए। इक्वालिटी सिर्फ ये बात नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें, आप इक्वल राइट दें, इक्वल रिकॉग्निशन दें, वो उसको सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों को सभी आपके अधीन सीओ सभी को दे दीजिएगा, और कोई बात आती है तो सभी कम्युनिटीज के साथ आप नंबर शेयर करें। आप और कुछ पिक करना चाहते हैं जो नाम संकोच कोई भी बात कहना चाहते हैं सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हम दो नाम की बात कर रहे थे लेकिन मेरी तरफ से अगर प्रस्ताव है कि हम तीन नाम रखते हैं, इसका मेरा कारण ये है कि किन्नर समुदाय जो हिजरा कल्चर की परंपरा का जो निर्वहन करते हैं, जैसे हमारी गुरु जी बैठी हुई जो टोली बधाई के उनमें आशीर्वाद और जो हमारा संस्कार चला जाए मेरा नाम एकता है और हमारी गुरु हैं मान श्री कोमल गुरु हैं और हमारे सभी किन्नर समुदाय के साथी हैं। ये जो मीटिंग का आज आयोजन किया गया था, इसको डीएम साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग बुलाई गई थी, हमारे जो समाज कल्याण निदेशक जी हैं उन्होंने इसका आयोजन करवाया था और हम सभी किन्नर समाज के लोगों को आज बुलवाया था। उनका जो विचार था कि गोरखपुर जनपद में एक किन्नरों के वेलफेयर के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसकी शुरुआत के लिए उन्होंने सभी किन्नर समाज के प्रतिनिधियों को आज आमंत्रित किया था और डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने को लेकर चर्चा हुई। डीएम साहब ने कमेटी का गठन किया, डीएम साहब ने बहुत ही कैसे सकारात्मक रूप से हम लोगों की बातों को सुना और हम लोगों को बहुत अच्छे निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी विभाग हैं संबंधित, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे आपका डिफेंस हो,
और उसके संबंधित और भी जो कार्यक्रम हमारे जनपद में चलते हैं उन सभी जन उनको सारे विभाग को उन्होंने निर्देशित किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जिस जगह से जिस तरह से भी उनका मतलब वो काम किया जा सकता है उसकी शुरुआत की जानी चाहिए जनपद गोरखपुर से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आपके उत्तर प्रदेश में पहली पहल होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर से कि उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत होगी ट्रांसजेंडर वेलफेयर की। और ये कमेटी का गठन हो रहा है और ये बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी आने वाले कुछ दिनों में, इसका आपको असर दिखेगा। और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी हमारे सिस्टम में हमारे जो हम मुख्य धारा की जो हम बाट जोह रहे हैं कि हमारे मुख्य धारा में हमको आना है, हमको भी अधिकार चाहिए महिला और पुरुष का, हमको भी मिलेगा जिससे कि हम समाज में बराबरी से जी पाएंगे। तो क्या लगता है कि सरकार में, योगी सरकार में आप लोगों को कुछ सम्मान मिलने वाला है? जी, योगी सरकार में इसलिए सम्मान मिलने वाला है क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है ट्रांसजेंडर के लिए योगी जी के द्वारा ही पिछले 2 महीना पहले कल्याण बोर्ड के गठन की चर्चा की गई थी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही पहल थी कि इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई, तब हम लोग को उससे प्रोत्साहन मिला और हम अपने जनपद में इस कमेटी के गठन के लिए आगे बढ़े हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हमें उनसे बड़ी उम्मीद है और किन्नर समाज का पूरा उनको आशीर्वाद है कि वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और बहुत देश अपने उत्तर प्रदेश और देश का वो मान सम्मान बढ़ाएं। और अच्छा मांग भी आप कर रही हैं योगी जी से, सरकार से, प्रदेश सरकार से कुछ मांग भी आपकी है? देखिए, प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए योजनाओं में हमें अछूता ना रखा जाए। जिस तरह सबको लाभ मिल रहा है वे किन्नर समाज को छोड़ा ना जाए, किन्नर समाज को भी मुख्यधारा में जितने लाभ मिलते हैं वो किन्नर समाज को भी मिलें, क्योंकि हमारा भी एक जीवन है, हम भी एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पे हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, हम भी बूढ़े होते हैं, हमको भी भूख लगती है, हमने भी कोरोना के टाइम में बहुत बुरा दर्द झेला है, लेकिन क्या है कि मीडिया हो या किसी ने भी हमारे दर्द को सुना नहीं, हमारे लिए भी पेट के लाले पड़ गए, हमने कैसे कैसे अपना जीवन बिताया, सिर्फ ये बातें हम जानते हैं या हमारे समुदाय के लिए कुछ काम करने वाली संस्थाएं, लेकिन मुख्यधारा के लोगों ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अभी हमें यही उम्मीद है कि अब ऐसा ना हो और अब हमें भी मुख्यधारा में लिया जाए और हमारे मुद्दों को सुना जाए और हमारी समस्याओं को समझ के हमारे लिए काम किया जाए। नहीं, जैसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज प्रथम बार सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ संबंधित समिति ने सदस्यों से अच्छी तरह प्रतिभाग होते हुए बैठक की गई है। सभी पक्षों ने अपनी बात रखी है, हमने सब पूरे कम्युनिटी को अवेयरनेस, कम्युनिटी राइट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है और विभिन्न योजनाओं में आच्छादित करने के लिए किया है और समिति निरंतर लगातार इसमें बैठक करते हुए जो कार्ययोजना बनाई गई है उसको अनुश्रवण भी करेगी और आगे बढ़ाएगी ताकि किसी तरह की दिक्कत उन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को ना हो और एक समाज में इक्वल राइट्स के साथ सुगम व्यवस्था के साथ वो अपना जीवन गुजारा कर सके। कमेटी गठित हुई है, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, निरंतर चर्चा होगी और शासन के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।